गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट टूडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर सेवन क्लास फोर मैथ्स क्वेश्चन नंबर सेवन सी इन द बिगनिंग ऑफ मंथ मिसिज भल्ला हैड अ स्टॉक ट्वेंटी फाइव के जी ऑफ राइस एंड फोर के जी फाइव हंड्रेड ग्राम ऑफ दाल एट द एंड ऑफ मंथ सी फाउंड दैट सी इज लेफ्ट विथ एट के जी सिक्स हंड्रेड ग्राम ऑफ राइस एंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम ऑफ दाल फाइंड हाउ मच राइस एंड दाल वेयर कंज्यूम ड्यूरिंग द मंथ ये क्वेश्चन बता रहा है कि मिसेज भल्ला है जो इन्होंने महीने के शुरू में एक स्टॉक रखा दाल और चावल का तो चावल इन्होंने फोर के जी फाइव हंड्रेड ग्राम रखे और दाल का स्टॉक इन्होंने Sorry, राइस का इन्होंने स्टॉक रखा ट्वेंटी फाइव के जी और दाल का स्टॉक रखा फोर के जी फाइव हंड्रेड ग्राम अब जब महीने का एंड होता है उस समय उनके पास बचा एट के जी सिक्स हंड्रेड ग्राम ऑफ राइस और सेवन फिफ्टी ग्राम ऑफ दाल अब बोल रहे कि फाइंड हाउ मच राइस एंड दाल वे आर ड्यूरिंग द मंथ अब दाल और चावल का कितना उपयोग हुआ महीने में ये आपको निकालना है तो सोल्यूशन करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ मिसेज भल्ला हैड स्टॉक स्टॉक प्राइस ट्वेंटी फाइव के जी एंड दाल फोर के जी फाइव हंड्रेड ग्राम ठीक है इसके बाद आपसे आप कह रहे हैं एट द एंड ऑफ मंथ और महीने के अंत में मिसेज भल्ला हैड स्टॉक लेफ्ट टू राइस राइस कितना बचा उनके पास एट के जी सिक्स हंड्रेड ग्राम एंड दाल कितनी बची सेवन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम तो अब बिगनिंग में था ट्वेंटी फाइव के जी चावल और लास्ट में बचे एट के जी सिक्स हंड्रेड ग्राम उसी तरह दाल बिगनिंग में फोर के जी फाइव हंड्रेड ग्राम थी और एंड में बची सेवन फिफ्टी ग्राम अब आपको निकालना लें कि दोनों का कितना उपयोग हुआ सो सी कंज्यूम्ड द स्टॉक ड्यूरिंग द मंथ तो सबसे पहले राइस निकाल लेंगे कि महीने में कुल कितना उपयोग हुआ तो ट्वेंटी फाइव के जी आपका ग्राम नहीं दिया तो हमने वहाँ जीरो जीरो कर दिया और माइनस एट के जी सिक्स हंड्रेड ग्राम को हमने माइनस कर लिया तो आपका आ गया सिक्सटीन के जी फोर हंड्रेड ग्राम आपका चावल निकल आया महीने में मतलब सोलह के जी चार सौ ग्राम का उपयोग हुआ और अब दाल निकालेंगे तो दाल का फोर के जी फाइव हंड्रेड ग्राम से आप सेवन फिफ्टी ग्राम माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा थ्री के जी सेवन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम मीस आपका फोर हंड्रेड ग्राम एंड थ्री के जी सेवन हंड्रेड फिफ्टी ग्राम दाल वी आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ मंथ आई होप यू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निशी सिस्टर बेबी वेग्ड थ्री के जी फाइव हंड्रेड ग्राम एट द बर्थ निशी की सिस्टर निशी की जो सिस्टर है उसके बेबी का वजन जन्म के समय तीन के जी पाँच सौ ग्राम था आफ्टर अ मंथ सी वॉज फाउंड टू बी फोर के जी वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ग्राम और एक महीने मंथ के महीने में वो फोर के जी वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव ग्राम हो गया फाइंड हाउ मच वेट सी गेंड इन अ मंथ उसने महीने में कुल कितना वजन गेन किया तो निशी सिस्टर बेबी वेग ड बर्थ थ्री के जी फाइव हंड्रेड ग्राम आफ्टर अ मंथ सी वॉज फाउंड टू बी फोर के जी वन हंड्रेड सेवेंटी सेवेंटी फाइव ग्राम वेग वेग ड अ मंथ अब उसने मंथ में कुल कितना वजन प्राप्त किया तो हम क्या करेंगे कि फोर के जी वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव से जो एक महीने बाद उसने प्राप्त किया और जन्म के वजन को थ्री के जी फाइव हंड्रेड ग्राम को आप माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव ग्राम सो सी गेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी फाइव ग्राम वेग इन अ मंथ तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ एंड होती है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कल से पढ़ेंगे